I've fallen in love with I love. I love. Él bole, wow. हमें राम बाबू के घर जाकर पत्रिका देनी है। ठीक है भाई। अरे भैया, कल साहब के घर शादी है, पूरे परिवार के साथ आइएगा। हाँ। मुहूर्त तो आज रात का है, लेकिन हाँ। शादी कल सुबह 6:30 से 7:30 के बीच होगी। हाँ। आप सब लोग को जरूर आना है, ठीक है ना? हम सब जरूर आएंगे। अरे भाई, ये हाँ। कल सुबह शादी की बात कर रहा है, मगर पत्रिका तो अभी मिली है। अब इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? वो क्या है कि कल सुबह दूल्हा जेल से छूट कर आ रहा है, इसीलिए उन लोगों ने आज पत्रिका दिया। क्या कहा? जेल से छूट कर आ रहा? हाँ, जेल से छूट कर आ रहा है, लेकिन लोग उसे गुनहगार की नजर से नहीं बल्कि फरिश्ते की नजर से देखेंगे। 4 साल पहले एक हत्या के इल्जाम में इस गांव का अल्हड़ नौजवान रजनीश जेल गया था। उसी रजनीश का आज यहां उसके दोस्त और परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, जिसने दो परिवारों के बीच की नफरत की दीवार को गिराने की कोशिश की। कौन है ये रजनीश, आइए जानते हैं। रजनीश आ गया। चलो चलो निकलो यहां से। इधर आ, इस बोगी में चल। ए गार्ड, ये सब क्या हो रहा है? कुछ लोग यहां पर लड़ रहे हैं, इसीलिए कहता हूं ब्रेक का कंट्रोल सिर्फ ड्राइवर के पास ही होना चाहिए। ट्रेन स्टार्ट करो। ठीक है, करता हूँ। मामा को उंगली दिखाता है तेरे तो। गलती करके देखो कैसा खड़ा है। अरे व्यापारी है तू, ऐसे धंधा करेगा?
नमक का धंधा करने वालों की इज्जत होती है, मगर इस बात का उनको कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, एक गाड़ी रेत कितने की मिलती है? 4,000 रुपए की। और एक गाड़ी नमक? वो साहब बताओ 2,500 से 3,000 रुपए तक। नमक रेत से सस्ता बिक रहा है, इस तरह नुकसान में धंधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, अपने धंधे की इज्जत करना सीखो। साहब ए मनोहर, भैया तुम्हें वहाँ से नमक निकालने को कहा था, निकाल लिया? थर्मामीटर से देख रहा हूँ, नमक तैयार नहीं हुआ। तो तुम तापमान चेक कर रहे हो? इतनी गर्मी देखकर तुम्हें तापमान पता नहीं चला? अरे इससे ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो नमक पत्थर बन जाएगा, फिर मशीन बुलाकर हटाना पड़ेगा। अरे सरवन बेटा, क्या हुआ चाचा जी? तुम्हारा भांजा जो है कालिया ग्रुप के लड़कों के साथ गाँव के बाहर मारपीट कर रहा है, जाके देखो। इंसान का बच्चा है ये शैतान का? जब देखो दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना, कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होना, क्या है ये सब? मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं होता इस पर, देखो कैसे खाना ठूस रहा है। नानी हा? मेरा खाना ऊपर वाले कमरे में लगा दो, मैं वहीं खाऊंगा। अरे ऊपर बहुत गर्मी तो है। क्या हुआ? मेरी माँ को मेरा यहाँ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है। तो इसकी बात ये बात है, मुझे सब पता है, सारे गांव के लोगों से बाहर जाकर ये लड़ता झगड़ता है। माँ आज उस कालिया को मारने की क्या जरूरत थी? इसकी वजह से हर वक्त मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आपके भाई को कोई बुरा भला कहेगा तो आप क्या करोगी? तो मैं जाकर उसका गला दबा दूंगी। अरे यही तो मैंने भी किया है, जो भी मेरे मामा के खिलाफ कुछ भी गलत बोलेगा मैं उसे मारूंगा ही नहीं बल्कि काट डालूंगा। आप जानती हो उसने मामा के बारे में क्या बोला? क्या बोला उसने? देखो तुम्हारा मामा, बताओ क्या बोला? वो मामा उस दिन पंचायत की मीटिंग में उसने उंगली दिखाकर आपकी इंसल्ट की थी। मैंने उसी दिन उसे मारने का प्लान बना लिया था, मगर वो भागकर मदुरई चला गया, आज ही वापस आया है, इसलिए हिसाब बराबर कर दिया। अरे किसी भी इंसान को गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, इस तरह 2 महीने बाद कौन जाकर किसी को मारता है? कितनी बार कहा ये मारपीट छोड़कर कुछ काम कर लो, लेकिन ये सुनता कहाँ है? इसका जन्म चांदनी रात में हुआ था तो ये सब पे राज। हाँ सही कहा, चांदनी रात में इसका जन्म हुआ इसीलिए हमने इसका नाम रजनीश रखा। लेकिन आज शहर में इसे किस नाम से पुकारते हैं पता है माँ? गुंडा। इस नाम से इसे कोई बुलाता है तो ये बहुत खुश होता है, देखो कैसे घूर रहा है। जब लाट साहब के पास पैसे नहीं होते हैं तो गल्ले में से निकाल लेते हैं और उसके बाद दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करते हैं। अरे वो मस्ती करने नहीं जाता है, वो तो मेरा काम करने जाता है, मैं भेजती हूँ उसे। यहाँ कोई मजाक चल रहा है? सुनो माँ, कल से तुम्हारा ये लाडला मेरे साथ काम पर जाएगा। मामा जी आपके रहते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसे कामचोरों से यही उम्मीद की जा सकती है। ए दादी, गुंडा रजनीश कहाँ है? बेटा ये हटेला तुम्हें बुला रहा है। क्या कहा हटेला? अरे ये कैसा नाम है? अरे बेटा ये लोग एक दूसरे को प्यार से गुंडा, चिंदी चोर, मेंढक, अंगूठा छाप, रंगीला यही सब बुलाते हैं। इन्होंने सबके नाम रखे हुए हैं और पता है तेरा भी एक नाम है। हाँ, पता है, सन की श्रवण SS, सही है ना? अब जाओ। आओ रजनीश आओ। कहाँ हैं वो लोग? वो सब लोग गोदाम में ताश खेल रहे हैं। चलो चलते हैं। मेरे बेटे को भूख बर्दाश्त नहीं होती। मन्नू, अरे बेटा मन्नू। हाँ। बेटा खाना तो खा ले। दादी आपने मुझे खाने के लिए बुलाया, लगता है अपने हाथों से खिलाएंगी। खिलाओ दादी खिलाओ। मन्नू, दादी मैं सामने तो खड़ा हूँ। देखो आ गया मेरा मन्नू, आजा मेरा बेटा। तू यहाँ क्या कर रहा है, जाके काम कर। ये ले बेटा ले खाना। मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरा नाम कुत्ते को दे दिया है, उसके हिस्से की डांट मुझे मिलती है और मेरे हिस्से का जो प्यार है वो उसको मिल जाता है। ठीक है ठीक है, जितनी बेइज्जती करनी है कर लो, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा देखना। इस शहर का मैं बड़ा मंत्री बन के दिखाऊंगा। क्या कहा, बड़ा मंत्री बनेगा? हाँ दादी माँ, लोगों की सेवा करने वाला मंत्री, MLA। हाँ तो ऐसे बोलना उल्लू कहीं का। पहले MLA बनूंगा उसके बाद मंत्री बनूंगा। मेरे बेटे के सामने ऐसी बातें मत कर, वो डर जाएगा तेरी बातों से। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। इंसान को कुत्ता बोलते हैं और कुत्ते को इंसान। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दादी छोड़ो मुझे, सेलफोन की सिग्नल की तरह तुम्हारा प्यार आता जाता रहता है। छोड़ो मुझे दादी, जाने दो मुझे। अरे ये तो कील है,
जितना प्यार ये कील मुझसे करती है काश उतना दादी भी करती। सुन मैं एक दिन तेरी कुत्ते की तरह धुलाई करके तुझे जंगल में छोड़ के आऊंगा, लेकिन क्या है मुझे वहाँ के जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है। कौन है वो लोग जिन्होंने ये तार की बाड़ लगाई है? सब उन पीवीएस कंपनी वालों का काम है, वो सब आपका काम रोकना चाहते हैं भैया। उन्हीं के कुछ लोगों ने ये तार लगाने का काम किया है। हमने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो बोले जगह हमारी है इसलिए तार लगा रहे हैं। यहाँ जो नमक की गाड़ी खड़ी है उसे कल रात से पहले जहाज में चढ़ाना होगा। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसका फैसला अब पंचायत करेगी। कल सुबह उन्होंने पंचायत की बैठक बुलाई है। बड़े भैया पीवीएस ग्रुप वाले आ रहे हैं। माफ कर दीजिए मैडम। बी केयरफुल। ये शकुंतला देवी का स्टाइल है, अपने ही लोगों को दूसरों के सामने जलील करना। एक बात बताओ, ये पंचायत में अपनी बहन को क्यों लेकर आया है? अबे ध्यान से देख, सिर्फ बहन को नहीं साथ में चमचे को भी लाया है। भाई साहब आपकी जमीन 4-5 एकड़ है, बाकी लोगों की 480 एकड़ है। अगर आप अचानक ये रास्ता बंद कर देंगे तो यहाँ के लोग नमक को जहाज तक कैसे पहुँचाएंगे? वो फ्लाइट से जाए या फिर उस जहाज को यहाँ लेकर आए, इससे हमें क्या लेना देना? तो ये है आपका फैसला? इनका फैसला पत्थर की लकीर की तरह होता है जो कोई नहीं बदल सकता, समझे? अरे मैं चमचों से बात नहीं करता हूँ, चलो शुरू हो जाओ। सुनो भाई, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जमीन बचाने के लिए हम भी तार लगा रहे हैं। अगर वो तो मनी की जमीन है, तुम कैसे लगा सकते हो? विलास राव, कल शाम को ही इन्होंने वो 3.5 एकड़ जमीन खरीद लिया है। मेरी परमिशन के बिना अब कोई उस रास्ते से नहीं जा सकता। क्या कहा? फिर हम कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाओ ना। ये महाराणा नहले पे दहला। शरवन, जानता है तू किससे पंगा ले रहा है? तू नहीं जानता तू किससे पंगा ले रहा है। 20 साल पहले तुम इस गाँव में आए थे, उस वक्त यहाँ कोई साधन नहीं था, तो नमक ढोने के लिए यहाँ के लोग घोड़ों और गधों का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि यहाँ सड़क नहीं थी तो गाड़ी लाने ले जाने के लिए सड़क बनाने का काम मेरे पिताजी ने किया था। उस वक्त लोग एक दूसरे की जुबान पर विश्वास करते थे, इसीलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। हमें ये उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर ऐसे ही बकबक करोगे तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ नहीं कर सकते? ए, चलो तार निकालो। देखो भाई, जब आप लोग अपना तार निकालोगे तभी सरवन अपना तार निकालेगा, यही हमारा फैसला है। इतना ही नहीं, जब तक सारी बातें पेपर पर लिखकर नहीं दोगे ये तार नहीं हटेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, अरे जैसे बहुत देखे हैं ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे 3-4 दिन से भूखे हो। तार नहीं हटेगा। ड्राइवर जल्दी चलो। जी मैडम। ऐसे नहीं समझेगा वो। नमस्ते सर, मैं शरवन जी का मुंह बोला भांजा हूँ, और इसी तरह अगर मामा से पंगा लोगे तो क्या कर लेगा तू? ज्यादा कुछ नहीं, आपकी अतड़ियां बाहर निकाल के माला बनाकर आपको पहना दूंगा और फिर जेल चला जाऊंगा। अगले दिन मेरी बेल हो जाएगी और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये सब देखने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। अच्छा चलता हूँ, ख्याल रखना। लासरा शांत हो जाओ। इसे तो मैं देख लूंगा, इसके मामा ने मेरी नाक काटी थी और ये मेरी अतड़ी निकालेगा। छोड़ूंगा नहीं इसे, पर बात कर दूंगा। वो दोनों अलग अलग गुट अब एक हो गए हैं, लोग शरवण की जय जयकार कर रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो एक हो गए? ए जनार्दन, एक दो को वहीं खत्म कर देना चाहिए था, उसके बाद जो होता हम देख लेते। ऐसे बहुत से झगड़े देखे हैं मैंने, आज तक हमेशा मैंने जीत हासिल की है, हारना मुझे कतई पसंद नहीं। तुम लोग उसका ऐसे गुणगान कर रहे हो जैसे वो राजा बन गया। हमारी ताकत बनी रहे इसीलिए नारायण स्वामी मंदिर में दान देता हूँ, देवी मंदिर में बलि चढ़ाता हूँ, फिर भी तुम लोग हार कर आ गए। बेटी शकुंतला, तुम तो समझदार हो, तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? सुनिए पिताजी, उस आदमी ने वो जमीन रजिस्टर करवा ली है इसलिए मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाई। बहुत सीना तान के चलता है, मैं उसी की जमीन में उसे एक दिन गाड़ के रहूंगा, देख लेना। ये ठीक नहीं है पिताजी। हाँ